आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ स्पेशली गुड़गांव के लिए। जी हाँ, गुड़गांव में नागपास का नया आउटलेट खुला है, DLF फेज 1 कुतुब प्लाजा में ये आउटलेट ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ छोले भटूरे ही नहीं, चाट के बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। गोलगप्पे से लेके पापड़ी चाट तक सब मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं अब आगे। तो यहाँ पर हम एक नागपास के कस्टमर मिले हैं। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? रघुराज। ओके, तो सर नागपाल के आए, आज क्या ऑर्डर करा है सर आपने? यहाँ के तो सबसे मशहूर और फेमस है छोले भटूरे। जितने आप एक्साइटेड लग रहे हैं, मुझे लगता है आपने पहले भी खाए हैं इनके यहाँ। तो बचपन से खाता आ रहा हूँ। अच्छा, बचपन से खाते आ रहे हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम एट दिस आउटलेट और या पहले भी आए हैं? पहले भी आया हूँ और बाकी आउटलेट्स में भी खाता रहता हूँ। और संडे है आज, जैसे कि आप जानते ही हैं, संडे के दिन तो बनता ही है, पंजाबी में तो फेमस है। अच्छा, तो दिल्ली में भी किस किस आउटलेट पर गए हैं आप? लाजपत नगर में बहुत फेमस है। उसके अलावा स्विगी जोमेटो के थ्रू तो हर जगह से आ ही जाते हैं। तो अभी क्या ऑर्डर कराया आपने? मेरे लिए छोले भटूरे और मिसेस के लिए राजमा चावल। बहुत बढ़िया। तो रेटिंग के लिए कहूँ अगर मैं, 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप? 7-8। 7-8। वैसे बचपन से खाते आ रहे हैं लेकिन रेटिंग 7-8, क्योंकि हमेशा थोड़ा सा स्कोप इम्प्रूवमेंट के लिए रहता है, बट 8 मान लो आप। 8 मान। चलिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमें मिले हैं नागपाल के कुछ कस्टमर। हेलो सर। हेलो। क्या नाम है सर आपका? आई एम अभिनव कैच। आई एम विपुल गर्ग। ओके, तो सर नागपाल का टेस्ट कैसा लगा आपको? अभी क्या खाया है आपने? आई ऑर्डर्ड छोले भटूरे फॉर द फर्स्ट, द कॉम्बो पैकेज इट वाज अमेजिंग। द छोले भटूरे अलोंग विद द लस्सी, इट वाज अमेजिंग। वी केम फ्रॉम प्लेइंग बैडमिंटन एंड इट वाज अ गुड फूड टू हैव, द बेस्ट फूड हियर। ओके, कितना टाइम हो गया आपको नागपाल के आते हुए? दिस इज योर फर्स्ट टाइम और आप पहले भी आए हैं? ये वाले सेंटर पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, दिल्ली वाले पे हम गए हुए हैं पहले। दिल्ली वाले पे गए हुए। 10 में से रेटिंग देना चाहें तो कितनी रेटिंग देंगे आप? सर 10 में से आई वुड से कि मतलब 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10। 8 और 9 कल के प्लेइंग। ओके, तो आपको और ब्रांड से छोले भटूरे में क्या स्पेशल लगता है नागपाल के यहां? बेसिकली द पनीर दैट इज पुट इन द भटूरा, something that is unique and bhatura is also very crispy. Okay. तो हमारे साथ हैं नागपास के इस आउटलेट के मैनेजर। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन यादव हूँ। अच्छा, इस आउटलेट को कितना टाइम हो चुका है सर? 1 वीक हो चुका है। 1 वीक हो चुका है। ओके, तो क्या टाइमिंग रहती है यहाँ पर अपनी? 9 to 9 और सैटरडे संडे 10 to 10। अच्छा, तो यहाँ पर चाट का भी देख रहा हूँ मैं, चाट में क्या क्या स्पेशलिटी है आपके यहाँ? तो अभी पापड़ी चाट है और गोलगप्पे भी देख पा रहा हूँ मैं। गोलगप्पे हैं, दही भल्ले हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये भी पूरा दिन मिलते हैं या इनकी कुछ? पूरा दिन मिलते हैं। तो यहाँ पर डिलीवरी शुरू हो गई है? डिलीवरी शुरू, स्विगी जोमेटो सब शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। और एड्रेस समझा दीजिए एक बार। ये हमारा एड्रेस है DLF फेस 1 शॉप नंबर 1 कुतुब प्लाजा गुड़गांव। बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं अपने आइटम्स की तरफ, क्या क्या आज मिलने वाला है हमें, क्या क्या हम रिव्यू करने वाले हैं, दिखाते हैं अब आपको। छोले भटूरे मिल जाएंगे, उसके बाद राजमा चावल मिल जाएंगे, कढ़ी चावल मिल जाएंगे, छोले चावल मिल जाएंगे, पालक पनीर मिल जाएंगे, शाही पनीर है, दाल मखनी है, उसके बाद गोलगप्पे है, दही भल्ले है, ब्रेड पकौड़े हैं, समोसे है, आलू समोसे चाट है, पापड़ी चाट है, अभी तो फिलहाल ले लिया हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, मिलते हैं आपसे अंदर। तो यहाँ पर हमारी पापड़ी की प्लेट लगने जा रही है। चलिए चलिए, ये देख सकते हैं भैया ने तोड़ दी है ये पापड़ियां प्लेट में। ये आ गई इसमें सौंठ, बहुत बढ़िया। सौंठ में क्या क्या डालते हैं शेफ आप? क्या ही बनाते हैं सौंठ? हाँ जी, क्या क्या डालते हैं इसमें? किशमिश है, अमचूर है और इमली है, सौंठ है। बहुत बढ़िया, चलिए बनाइए। देख सकते हैं क्या बढ़िया चटनी लग रही है, किशमिश वगैरह सब दिख रहा है इसमें मुझे। ये आ गई इसमें दही, ओए होए होए होए, बहुत बढ़िया। ये आ गई इसमें बढ़िया सी दही, और इसमें कुछ और भी जाने वाला है, अमूल क्रीम पापड़ी में, क्रीम। बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पापड़ी में जा रही है क्रीम।
बहुत ही बढ़िया। अब इसमें जाएगा कुछ ब्लैक पेपर, ये आगे ब्लैक पेपर इसमें, ये आ गया भुना हुआ जीरा, बहुत बढ़िया। ये आ गए काजू इसके ऊपर, वाह बहुत बढ़िया। ये आ गए बादाम, भाई साहब देख सकते हो क्या ही मजेदार लग रही है ये चीज, बहुत बढ़िया। और भी कुछ आने वाला है इसके ऊपर, अरे अंगूर भी डाल दिए भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनार भी आ गए भैया, अनार भी डाल दिए, और देख सकते हैं फ्रेश बिल्कुल सीधा अनार एकदम प्लेट में, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं आप क्या बढ़िया टेबल हमारी सज चुकी है नागपाल्स के यहाँ। आज हमने यहाँ पर एक स्पेशल चाट का आइटम भी है वो भी लगवाया है, और देख सकते हैं आप छोले भटूरे थोड़े से बैठ गए हैं क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया है यहाँ पर शूट करते हुए। यहाँ पर हमने लगवाया राइस कॉम्बो, यहाँ पर है पनीर ब्रेड पकौड़ा, ओए ओए देखने में तो इतना टेम्पटिंग लग रहा था। यहाँ पर हमारे पास थोड़े से छोले, ये है राइस कॉम्बो जिसमें है शाही पनीर, पालक पनीर, छोले, राजमा और राइस। यहाँ पर हमारे पास पापड़ी चाट और छोले भटूरे एज यूजुअल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इनके पकौड़े से, सबसे पहले खोल के दिखाते हैं, देखिए आपको पकौड़ा, ये देखिए आलू की स्टफिंग, पनीर की स्टफिंग, भाई देखने में तो बहुत टेम्पटिंग और बड़े करारा लग रहा है। नागपाल के मसालों का मैं हमेशा से फैन था, मसाले इतने सही यूज करते हैं ना, पकौड़ा बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से बढ़िया से आलू डले हुए और पनीर क्या फ्रेश टेस्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। देन हमारे पास ये चाट का नेक्स्ट आइटम पापड़ी, अंगूर अनार बादाम कैशू सब कुछ डाल के दिया है भाई साहब। आप यकीन नहीं मानोगे मुझे यहाँ पर टूट कर दो, लगभग 2 घंटे हो गए हैं, तो लगभग आधे घंटे से टेबल पर खाना रखा था, ये पापड़ी जरा सी भी सौगी नहीं हुई है अभी तक, बिल्कुल क्रंची बढ़िया टेस्ट। तो ये जो मीठी चटनी है ना इसमें जो छुआरे वगैरह इन्होंने डाल रखे हैं, ओह क्या टेस्ट आ रहा है। अल्टीमेट। देन हमारे पास है राइस कॉम्बो, सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा राजमा के साथ, ये देखिए क्या बढ़िया बाइट लग रही है, और इधर हमारी लस्सी भी आ गई है, राजमा जो है ना बिल्कुल घर वाला टेस्ट, इतने बढ़िया मसाले, चावल बासमती बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया टेस्ट। राजमा तो बिल्कुल परफेक्ट है इनका। अब ट्राई करते हैं शाही पनीर से, ये
ग्रेवी एकदम परफेक्ट, जैसे शाही पनीर की कभी कभी मीठी ग्रेवी होती है और दिल्ली वालों को आम तौर पर पसंद नहीं है मीठी ग्रेवी। मसालेदार बढ़िया ग्रेवी, मसाले बहुत अच्छे, पनीर बिल्कुल फ्रेश भाई साहब, पनीर तो बिल्कुल मलाई जैसा टेस्ट कर रहा है। तो चावलों में इन्होंने खड़े मसाले भी डाले हुए हैं, तो वो थोड़ा देख के खाइएगा। अब ट्राई करते हैं छोलों से, तीन नागपास के छोले तो इनकी जान है। तो भैया अब आ गए हम सीधा छोले भटूरे पे, देख सकते हैं क्या बढ़िया। अब आ गए हम छोले भटूरे पर, थोड़े से बैठ गए हैं भटूरे क्योंकि हमें बहुत देर हो गई है शूट करते हुए, तो फटाफट अब करते हैं छोले भटूरे ट्राई। ये लिया भटूरे की बाइट, ये लगाए छोले, ये देखिए क्या मस्त लग रहा है। छोले भटूरे साथ में लस्सी, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन एट नागपुर, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही मैंने आपको बताया भटूरे के अंदर पनीर की स्टफिंग, छोलों में मसाला परफेक्ट, साथ में लस्सी, वो क्या चाहिए नाश्ते में संडे को, इससे बढ़िया नाश्ता नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं कितने सारे आइटम हो चुके हैं इस आउटलेट पर, चाट भी है, छोले भटूरे भी है, सुबह के नाश्ते की पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है। गोलगप्पे भी हैं, वो लाइव काउंटर है गोलगप्पे का भी, तो वो भी ट्राई करिएगा। जल्दी से विजिट करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करिए, बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, आकर ट्राई ज़रूर करें, मस्ट रिकमेंडेड है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलना अगली वीडियो कहाँ की देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे सीधा अगली वीडियो में।